अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ इस तरह से वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। तो जैसे आपने वीडियो देख लिया कि हम कुछ इस तरह से फ्री फायर नेम आर्ट वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के। यहाँ पे सबसे पहले आपने ओपन करना अपना काइन मास्टर ऐप, ओपन कर लिया। अब आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर यहाँ से सोलो नौ का प्रोजेक्ट ले लें। लेने के बाद आपने ना मीडियम में आने के बाद आपने ना बैकग्राउंड में आने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपने ब्लैक कलर लेना है। ब्लैक कलर ले लिया आपने, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद आपने ना शुरू में आने के बाद लेयर में फिर मीडियम पर क्लिक कीजिए। और फिर आपने जाना डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे यहाँ पे ये चाहे मैं PNG इस्तेमाल करूँ चाहे कोई वीडियो इफेक्ट, उन्हें सभी का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये DJI की PNG लगानी है। लगाने के बाद आपने कुछ इससे बड़ा कर लेना है, यहाँ से इसे बड़ा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे PNG आपने लगा लिया, अब इसे कर दीजिए फुल। फुल करने के बाद आपने क्या करना, इस पर फिर से आना लेयर में आने के बाद मीडियम में, फिर दूसरी PNG आपने कौन सी लेनी है, ये पूरी टीम खड़ी होगी फ्री फायर की, ये पूरी टीम फ्री फायर की। यहाँ पे आपने इसको इस तरह से बड़ा करना, सेंटर में ला के इस तरह से कुछ बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे आपने बड़ा कर लिया, बड़ा करने के बाद इसे फुल कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, सही फुल लियो तो यहाँ पे फुल हो गया। अब आपने क्या करना है, दोबारा से आना लेयर में बाद मीडियम में। यहाँ पे आपको फ्री फायर का नेम का भी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपने फ्री फायर का नेम ऐड कर देना है, नाम को थोड़ा सा कर लीजिएगा बड़ा। बड़ा करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका आपने नेम ऐड कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसे भी कर लें फुल, आगे इसके बड़ा कर लें, इसे भी खींच लें। अब आपने क्या करना है, दोबारा से आना है लेयर में के बाद मीडियम में। फिर यहाँ से आपने स्नाइपर की PNG लेनी है और इसे यहाँ पे आपने डस्ट कर देना नीचे। तो यहाँ पे हमने स्नाइपर की PNG लगा ली। अब आपने क्या करना है, इसे भी स्नाइपर को भी बड़ा कर दें। अब आपने क्या करना है, फिर से आना है लेयर में आने के बाद मीडियम में आने के बाद आपने क्या करना है, सॉरी मीडियम यहाँ फिर से आपने लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना नेम, यहाँ पे जैसे मेरा नाम अली है, यहाँ पे मैं अली लिख देता हूँ। ये हमने अली लिख दिया, मैंने अली लिख दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट में आना, फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर और पे क्लिक करना है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो फॉन्ट है वो आपने ले लिया। चाहे आप जो मर्जी फॉन्ट ले लीजिए, आपकी मर्जी की बात है। तो यहाँ पे आपने नाम कुछ इस तरह से लगा देना है, कुछ इस तरह से हमने नेम अपना लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इसे भी बड़ा कर देना। फिर से आपने जाना है लेयर में के बाद टेक्स्ट में। अब यहाँ पे दोबारा आपने अपने नाम का पहला लेटर लिखना है, जैसे मेरा नाम अली और ए पहले आता, मैंने ए लिख दिया, इसको कर दें क्लिक। अब आपने क्या करना है, इसे फुल कर दीजिए कुछ इस तरह से। और नेम को थोड़ा सा, अपने नेम के पहले लेटर को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब दोबारा से आइए फॉन्ट में और यहाँ से दूसरे नंबर वाला, और यहाँ में एंड में आपको मिल जाएगा ये आर वाला, तो ये आपने ले लिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे कर लेना बड़ा, इस पर क्लिक कीजिए और इसको इस तरह से कुछ बड़ा, यहाँ तक बड़ा कर लीजिए। तो यहाँ पे तो करने का, अब आपने क्या करना है, दोबारा से आना लेयर में आने के बाद मीडियम में। यहाँ से आपको ये वाली PNG भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये PNG भी आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है, यहाँ पे इसके नेम के ऊपर इसे आपने लगा लेनी है कुछ इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसको भी कर लें फुल। फुल करने के बाद फिर से आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक में मीडियम में और यहाँ से ये कलर इफेक्ट ले लें। कलर इफेक्ट लेने के बाद इसे कर दीजिए फुल। फुल करने के बाद दोबारा से कलर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप आइए
ब्लेंडिंग में आने के बाद मल्टीप्ले में आई, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए मल्टीप्ले, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी ऑडियो को ऑफ कर लेना है, ये जो आपने कलर इफेक्ट यूज़ किया इसकी ऑडियो को ऑफ कर दीजिए। फिर आपने क्या करना है, दोबारा से क्लिक करना है मीडिया पे, और यहाँ से आपको ऑडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चाहिए अपनी आप कोई मर्जी की ऑडियो लगा सकते हैं अगर आपके पास हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना, स्ट्रैक्ट ऑडियो कर देना, ऑडियो हमारी नीचे हो जाएगी स्ट्रैक्ट, तो और इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। अब क्या करना है, आपका काम ख़त्म है। अब इसको सेव करने के लिए आपने क्या करना है, शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसे हाई करके सेव कीजिएगा ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी ना ख़राब हो। तो ये यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए और आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करना। यार आप वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो मिलते हैं दोस्तों आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।